हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, तो मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो लगभग मेरे थोड़े बहुत काम हो गए हैं। और मौसम की बात करें तो आज के मौसम की बात करें तो आज बहुत अच्छा हो रखा है, हवा भी लग रखा है सामने वाले गांव में, और यहां से ना बहुत अच्छा लग रहा है। धूप भी लगाई है, काफ़ी दिनों के बाद ये धूप देखने को मिल रही है हमको। ये आजकल ना हरियाली भी देखने को मिलती है, तो लगातार 4-5 दिन बारिश की वजह से ना ऐसा हो रखा था। ये है हमारा घर। टन्नू कौन है? टन्नू खाता था ही। इनको ना, ये है हमारा नाशपति का पेड़। यहाँ पर बहुत सारा फल आने की वजह से ना ये सारे जो हांगा बोलते हैं वो सारे नीचे आ रखे हैं। ये निन्नू का जाए दीदी ने कहाँ से निन्नू सब उन्हें बोल एक तो आप लोगों ने आज का मौसम देख लिया होगा। आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, सुंदर हो रखा है। काफ़ी दिनों के बाद ये मौसम देखने को मिल रहा है। तो मैंने नाश्ता भी कर लिया है, बर्तन धोने हैं, और आज तो गाय भी हम बाहर बांधेंगे। और मैंने ना सारे कपड़े धूप में डाल दिए हैं। तो कमरे के मैंने सारे कपड़े धूप में डाल दिया है, गीले हो रखे थे अंदर बाहर करते करते। थोड़े कपड़े यहाँ पर डाल रखा है, और यहाँ पर साथ में तार में डाल रखा है। ये मैंने कल ही धो दिए थे ये कपड़े, तो शाम से थोड़ा सा हल्का सा अच्छा हो गया था इसीलिए। चल तार में जाते, गाय को बांधते। चल बाबा, चल चल चल। हाँ, थैंक यू। चलो दिन में धूप आई है ना, गुरु को बाहर कर देते हैं। देखा मुन्नू को क्या ऐसा कर रहा है। मुन्नू रुक रुक, अब वो भी बच्चे का गोलियों बना रही। देखा बोबो ना, साला तो तोड़ देता है, साला खा देता है, इसकी चिल्ली रहती है जाती है, साला गंदा है साला। जालो बोबो, जालो बदमाश बोबो, जालो
बच्चा गोरू कहाँ है हमारा? घर बिसर बनने सालों में तो होने उठती है। गोलियों बना दिया वो गाय का ना, गाय का गोलियों बना दिया। बर्तन धोने के बाद मैं आई हूँ खेत में, तो थोड़ा सा मेरे को घास भी काटना था और साथ में ना राजमा के पौधों में हमें ऐसे बलियाँ डालते हैं, हमारे भाषा में ठांगरा बोलते हैं इनको, तो ऐसा करते हैं। तो ये राजमा के पौधे हो गए इनके, ये जो है ये ऐसे लगाने पड़ते हैं, ये तभी जाते हैं इनमें। तो ये लगा रहे और मैं काट रही हूँ घास, ये फपर हो रखा है, फपर को काट रही हूँ। तो तेज़ धूप भी लग गई है, अब जाते हैं थोड़ी देर में घर को, टाइम भी 11 बज गया है। तो ऐसे लगाया जाता है, तो इनको अच्छी तरह से जोर से गाँटते हैं ताकि इनमें ताकि ये ढल ना जाए करके अच्छी तरह से गाँटे जाते हैं इनमें, और ना ताकत भी बहुत लगती है। यहाँ चाहिए कि काट छोड़ो कर मेरे तो गायत मैं घर आ गई हूँ और काम भी लग गया था इसीलिए, तो खाना भी बनाना है, साथ में मैं दिव्य को लेके आना है, आज से स्कूल चली गई हूँ। मैंने गाय से दूध भी निकाल दिया है और साथ में जो भिगा वाला गज्जो था सूखा घास, तो उसको सारा डाल दिया है। तो ये रहा मेरा घास अभी वाला काटा, तो इसमें से मकई के पौधे वाले मैं घर ले जाऊँगी, इसका डाला बनाने वाली हूँ और बाकी वाला घास यहीं पर रख दूँगी। तो गैज मैं गाय से दूध निकालने के बाद घर गई थी, खाना साना बना के खा के तो थोड़ी देर रेस्ट करा। तो आप लोग सोचते हो बिंदा ना, मैं घर बिंदा रखती नहीं है कपाल में ना, बिंदा को रहने देती नहीं है, सुबह लगा देती हूँ, शाम को दिन में खोल देती है, तो उसको छुपा छुपा के लगती हूँ तब भी वो खोल देती है। अभी आ रखी हूँ मैं घास काटने के लिए नीचे जंगल में, सुबह नहीं आ रखी थी, सुबह गई थी खेत में, तो थोड़ा सा फपर काटा, थोड़ा सा दोनों मिलके हमने राजमा के पौधों को ठंगरा गाटा। तो उसके बाद टाइम नहीं मिला मेरे को नीचे घास काटने के लिए, तो अभी आ रखी हूँ नीचे घास काटने के लिए, अभी काटती हूँ थोड़ी देर, तो अभी काट लेती हूँ थोड़ा सा, तो मुझे अभी टाइम भी इतना नहीं है, जल्दी जल्दी काटती हूँ फिर जाती हूँ घर को। तो पहाड़ों में ना ऐसे काम होता है, एक काम के बाद एक आता है, एक काम के बाद एक आता है, किसी टाइम भी ये नहीं होता है कि खाली हो जाओ आदिम और बैठ जाओ करके। तो हमने मकई को दोबारा कोड़ने है हमारे मकई और राजमा के पौधों में ये ठांगरा गाड़ना, और उसके बाद ना सोयाबीन के पौधे गोड़ने पड़ते हैं, उसके बाद आता है सूखा घास काटने का टाइम, कभी खाली नहीं होता है, ऐसे होता है। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहना और इन्जॉय करते रहना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ साथ ही सब्सक्राइब भी कर देना। तो पहाड़ों में क्या क्या काम होता है और कैसे करते हैं ये चीज़ दिखाती रहूँगी, और कोई चीज़ परंपरा को भी दिखाती रहूँगी। आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहना हमारे। अभी मैं घास काट लेती हूँ, देर भी होने वाली है, 6 बजे के टाइम हम गाय से दूध भी निकाल लेते हैं, तो उसका टाइम भी अभी 5 बजा है, 1 घंटे में मेरे को कितना होता है, काटना है जल्दी जल्दी। तो घर का काम करके आई हूँ, सारे कपड़े बाहर रख अंदर रखा, ये सारे काम करके आई हूँ मैं अभी, तो रेस्ट करना भी नहीं मिलता है। थोड़ी देर रेस्ट करने के टाइम ना बच्चे मेरे को रेस्ट करने नहीं देते हैं, ठीक टाइम पे अब रेस्ट करूँ कहते समय मेरा काम हो जाता है, वो लोग सो जाते हैं।
तो ऐसा ही होता है, आप लोग आगे भी बने रहना। तो गाइस मैं घास से घर पहुंच गई हूं, तो दो मुठे घास के हुई है मेरे एक घंटे में। अब मैं जाती हूं घर को। हम हो जाएंगे पूरे का हिंदी और मैथ और इंग्लिश तीनों कर दिया। हाँ। अभी देखा ना थोड़ी देर में। मम्मी ये का नहीं मिला ना। किस टाइम उठे तुम दोनों है? किस टाइम उठे? ये अभी उठ गई मैं, तो अभी सुबह उठ गई थी, अभी उठ गई मैं। जोंग देखा, ऐसे होते हैं पहाड़ों में, ये पैरों में लग के ना ये खून चूस के फिर निकाल देते हैं बाहर। तुम आज भी मर जाएंगे। तो गाय घर पहुंचने के बाद मैंने गाय से दूध भी निकाला और साथ में गोबर भी निकाल के फेंक दिया है। तो अब जाती हूँ घर को, हवा भी चल रही है, अच्छा मौसम हो रखा है आज तो घर जाती हूँ। देखते हैं बच्चे अभी क्या कर रहे हैं। तो आज सब्जी भी बनने वाली है, शिमला मिर्च और आलू। शिमला मिर्च हमारे लगे थे इसीलिए नहीं, तो सब्जी बना लेते खा लेते। तो आज का ब्लॉग इतना ही, कल फिर नए दिन की नए ब्लॉग की शुरुआत करूँगी। तब तक के लिए बाय गाइस, पूरी वीडियो देख के इंजॉय करते रहना, तो आगे भी बनाती रहूँगी।